जयपुर दो दिन एक्सप्लोर करने तो बाद आप निकले हैं 5 बजे पुष्कर नू। पुष्कर इतों 150 किलोमीटर वा राज डोल प्लाजे पेंदे आ, हाईवे आ 6 लेन का। तो असी रुके असी चाह पीन लई एक ढाबे के छोटे से, हुण आप चाह पीती आ, हुण आप चल जाए पुष्कर। पुष्कर जाके आप हर अपडेट देवे, जिथे भी पुलिस बाइक जा सकती आ स्पलेंडर वगैरह उतों तू पूरी आप लोकेशन दसागे कि उतक बाइक ठहर सकती है किदा किदा नहीं, जो भी उत्थे वेखण वाली चीज़ा वा आप सारिया दिखावे। असी नाल अपने लैके चल रहे हैं टेंट वगैरह, आपू जिथे भी रात पै गई नहीं अपने तो कोई अकोमोडेशन हैगी आप टेंट लगा लेंगे अपनी सेफ्टी देख के। बाकी मिलते हैं पुष्कर। आप आए हैं पुष्कर। पुष्कर से पहली जगह आप आए गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा साहब इतने गुरु नानक देव जी जो श्रीलंका तो होंदे हुए वापसी आए थे तो इतने आण के ठहरे से पुष्कर। तो आप दिखाने तुम पुष्कर का गुरुद्वारा साहब। जा रहे हैं सैकेंड प्लेस से पुष्कर की। सैकेंड प्लेस से जो आलू बाबा, आलू बाबा सिटी तो 10 किलोमीटर दूरी पर आ। दिखाने जी आप आ गए आलू बाबा के मंदिर। तो आप दिखाने कि बाबा आलू बाबा जी कौन आते किन्ने साल तो वो आलू खा रहे। आप कब से आलू खा रहे हो? बहुत सालों हो गया है। ऐसा तो मेरे को जंगल के फट रही इस जगह तो 25 साल से करीब ऊपर हो गए। अच्छा जी। आलू फिर ऐसा तो जंगल के फल फूट खाते तो 60 साल करीब हो गए। अच्छा जी। आपकी एज क्या है? 76। अच्छा जी। आप फिर राजस्थान से हो जाए और किसी स्टेट से? इलाहाबाद के। इलाहाबाद यूपी में। ठीक। पहले जब मंदिर था जहाँ कुछ भी नहीं था जहाँ पर? नहीं, मंदिर तो था, बहुत प्राचीन मंदिर है, खुलखुलिया भैरव जी का मंदिर था। अच्छा। हजारों बरस पुराना, बहुत प्राचीन है ये। हाँ। ये प्राचीन अजमेर है उड़ीसा से। अच्छा। ये जो जगह है क्षेत्र हाँ। तो प्राचीन अजमेर है। हम्म। अजय पाल के नाम से अब ज्यादा फेमस है। अच्छा है। उन्हीं के बकाया हुआ अजमेर है ये। हम्म। अभी वो तो नया अजमेर है, ये प्राचीन अजमेर इसी जगह था। अच्छा, प्राचीन। अच्छा। जब आप सिर्फ आलू खाते हो? आलू और कुछ नहीं खाते? कुछ भी नहीं, चाय पी लेता हूँ। अच्छा। आलू कैसे खाते हो? उबाल कर? हाँ, उबाल के। अब तो दांत वोत कमजोर हो गए। हाँ। वही सर अंगार में फेंक के तो अच्छा होता भी है। हाँ, वो तो वैसे है, गैस भी नहीं बनता है। अब बॉइल करके वो करने में तो गैस भी बन जाता है। आप क्यों खाते हो वैसे? कंट्रोल के लिए। अभी एक चीज आलू क्या सब जगह मिल सकता है? हाँ। और कंट्रोल के लिए एक चीज खाने पर भी, और कोई फल खाने से तो हर चीज तो हमेशा मिलेगा नहीं। आलू एक ऐसा चीज है हर जगह मिल सकता है ना, इसीलिए एक चीज खाने से दिमाग की गति एक तरफ रहता है। हाँ। मन की गति भागता नहीं, फिर मन को कंट्रोल करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके। खाना आप जितने इच्छा करोगे, खाने फिर नहीं, खाना पीना जो भी है, जितने आप इच्छा करोगे उतने आप बला है, और जितने इच्छाओं को कंट्रोल कर लो उतने मुक्त हो गए। है कि नहीं? है तो ये इच्छाओं का ही तो खेल है। बस इच्छाओं को ही कंट्रोल करना है, इच्छाओं को ही मारना है बस। इच्छा मरती नहीं, फिर कंट्रोल कर लो क्या। अभी हमारे आरी बाजू सब चीज पड़ा, लेकिन अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया कुछ भी नहीं, अपने कोई मतलब नहीं है, हमारी गति भी उधर नहीं जाएगी। आलू बाबा तो बाद थर्ड प्लेस है जी विजय मंदिर। विजय मंदिर बिल्कुल आलू बाबा दे नेक्स्ट पेंदा वा, सिर्फ अद्धा किलोमीटर तो बाद। तो बहुत वधिया लोकेशन आवे, इत्थे एक झील भी आ, सॉरी लेक भी आ,
ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਥਰੀਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਨਸੈਟ ਟਾਈਪ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਘੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਆ। ब्रह्मा मंदिर विश्व में एक ही मंदिर है जो है पुष्कर में। ओके, आपको दिखाते हैं। पुष्कर लेक जिदे आसे पासे 52 घाट आ। मन्या जांदा कि जो भी हिंदू हरिद्वार जांदा, जे हरिद्वार तो इत्थे नहीं ना आउंदा इशनान करन, जां इत्थे नहीं आउंदा मत्था टेकन, तो उहदी यात्रा सफल नहीं हुंदी। दोनों जगह ते जाना ही पड़ेगा, उधर हरिद्वार ते पुष्कर लेक ते। पुष्कर लेक बहुत सोहनी आ, इहदे आस पास बहुत सोहनियां पहाड़ियां वा, दृश्य बहुत सोहना वा। तुसीं इत्थे आ के इशनान करो ते तुहाडे सारे पाप धुल जांदे आ, इह मन्ने जांदा।